गाइस, वेलकम टू माय चैनल पुष्पा सिंह व्लॉग्स में आप लोगों का वेलकम। तो गाइस, हम लोग आए थे हवा महल घूमने के लिए और हम लोग हवा महल बहुत अच्छे से घूम चुके हैं और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी क्या, उमस है। बारिश तो हो रही थी बट फिर भी उमस थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरे को पसीना आ रहा था। और अब हम लोग बैठे हैं एसी बस में, और एसी बस में बैठने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग जाएंगे यहाँ से अब आमेर किला, तो वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा लगता है। जैसा भी लगेगा गाइस, व्लॉग में बने रहना, वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। और यहाँ जा रही हूँ मैं रास्ते का फुल मज़ा लेते हुए, इंजॉय करती हुई, क्योंकि गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है बस के अंदर। और ये है रास्ता आमेर किला का। तो ये गाइस, बस जाएगी सीधा आमेर किला। पहले था हम लोगों का कि हम लोग हवा महल देखने के बाद आमेर किला देखेंगे, बट क्या कि ये बस सीधा आमेर किला जाएगी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पहले आमेर किला देखने चलते हैं, अगर टाइम मिला तो जल महल देख लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से आमेर किला, तो देखते हैं वहाँ का व्यू कैसा लगता है। क्योंकि और मैं एक बात बोलना आप लोगों से एक और चाहूँगी, अगर किसी को राजस्थान घूमने का मन हो तो क्या होता है कि सर्दी में ज़्यादा सर्दी लगती है और गर्मी में तो बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि यहाँ पे गर्मी में बहुत बुरी हालत होती है। तो गर्मी में तो भूल के भी मत आना घूमने के लिए राजस्थान में। और इस टाइम पे अगर आप लोग आते हो अगस्त सेप्टेम्बर के टाइम पर, तो ये सीजन बहुत अच्छा है, इसी टाइम पर आना। और ये है जल महल। जल महल क्या है कि हवा महल और आमेर किला के ठीक बीच में पड़ता है, तो हम लोग वैसे तो ऐसे भी देख सकते हैं, बट हम लोग पहले जाएंगे आमेर किला, फिर देखेंगे यहाँ पे हम लोग जाएंगे या नहीं। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ मेला वगैरह लगा हुआ, क्योंकि इतनी भीड़ तो नहीं रहती यहाँ पे। तो गाइस, हम लोग पहुँचने वाले हैं आमेर किला। तो हम लोग आमेर किला पहुँच चुके हैं और आप लोग आमेर किला का व्यू देख सकते हैं, कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। मतलब कि आप लोग इसको जितनी बार भी देखोगे ना, आपको ये उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब इतने अच्छे तरीके से बना हुआ है, बहुत प्यारा लगता है ये। दूर से देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी होती है ना, जैसे मिट्टी का बन जाता है घर, सेम टू सेम वैसा ही लग रहा है। और ये किला मेरा फेवरेट है, सबसे अच्छा। मैंने बहुत सारे देखो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं आमेर किला। ये है आमेर किला और यहाँ पे बहुत सारे कबूतर, इनको डाला हुआ है बाजरा वगैरह, और ये वो मक्का, इसको मक्का बोलते हैं। गाइस, वेलकम टू माय चैनल पुष्पा सिंह व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आई हूँ आमेर किला घूमने के लिए और मैं आप लोगों को पूरा आमेर किला दिखाऊंगी, तो आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, हो सके तो जल्द से जल्द शेयर करो और मेरे व्लॉग में एंड तक बने रहना। देखते हैं कैसा होता है, मैं अभी तक सबसे ऊपर नहीं गई, पर इस बार मैं सबसे ऊपर जाऊंगी। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं आमेर किला देखने के लिए और अभी हैं हम लोग सबसे नीचे। ये यहाँ का व्यू आमेर किला का, और इधर ये खड़े हैं। मतलब बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊँगी, व्लॉग में बने रहना। आमेर किला, तो मैं आप लोगों को पूरा आमेर किला दिखाऊंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हो सके तो शेयर तो जरूर कर देना।